बाबा जी हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा हुजूर मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं कब मौत आ जाए, खौफ आता है। फरमाने लगे कि अच्छा मौत से डरते हो? मैंने कहा हाँ अब डर लगता है, उम्र ज़्यादा हो रही है, पहले फील नहीं होता था अब डर लगता है। तो पूछने लगे अच्छा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? मैंने कहा वो तो चले गए। नाना कहाँ हैं? मैंने कहा वो भी वहाँ चले गए। नानी कहाँ हैं? वो भी चले। दादा कहाँ हैं? वो भी चले गए। दादी कहाँ हैं? मैंने खालू कहाँ हैं? चाचा कहाँ हैं? मैंने कहा सब चले गए। ताया कहाँ हैं? मैंने कहा सब गए। कहने लगे तो फिर डर किस बात का भाई, तुम भी चले जाओगे तो उन्हीं के पास जाओगे ना जहाँ सारे हैं, आधे से ज्यादा खानदान तो वहां है और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी पीछे एक एक करके आ ही जाएगा, तो डरना किस बात का है। फिर फरमाने लगे अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, खाजा कहाँ हैं? मैंने कहा वो भी वहीं। गौस कहाँ हैं? मैंने कहा वो भी वहीं है। मैंने फिर डर किस बात का, फिर डर किस बात का? कहने लगे एक नुस्खा बताऊं आपको? मैंने कहा बताइए। उन्होंने एक नुस्खा दिया मुझे, वो मैं चाहता हूँ आज आपको भी दे दूँ और इस पे अमल करके देखें आपको बहुत लुत्फ आएगा। अमल करेंगे? फरमाने लगे बेटा रोज उनको ना जो चले गए दुनिया से उनको रोज एक तोहफा पेश कर दिया करो। मैंने कहा तोहफा कैसे? कहने कोई गिफ्ट भेजा करो, गिफ्ट। मैंने कहा गिफ्ट कौन सा, TCS से भेजूँ, कहाँ से भेजूँ, कौन लेके जाएगा? कहने लगे नहीं पुत्र, रोज फातिहा पढ़ के ना उनको इसाले सवाब कर दिया करो। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और कहो या अल्लाह इसका सवाब मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा कराम, तमाम अहले बैत अतहार, जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात और बिलखसूस जो आपके वालिदैन हैं, जो आइज़ा अकरबा, उनका नाम जो है ना उसमें शामिल कर लें कि बिलखसूस इसका सवाब इनको पहुँचे। अब ये रोज़ इसाले सवाब आप करते रहो। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो लाहौर में और कराची में तुम्हें रोज़ाना वो गिफ्ट भेजे, तुम ऑफिस पहुँचो तो वहाँ गिफ्ट रखा हुआ हो, तुम घर पे हो तो वो घर पे तोहफा रोज आए, डेली पार्सल आ रहा है, क्या होगा? मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। कहने लगे कि रोजाना वो दोस्त तुम्हें तोहफा भेजता है, एक बेहतरीन बुके है, खूबसूरत बुके आता है, गिफ्ट आता है, आप रोजाना उसको इंजॉय करते हो और एक दिन आपको पता चले कि आपका वो दोस्त जो लाहौर में है, जो रोजाना आपको तोहफा भेजता है, आज वो खुद आ रहा है, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो भरपूर तैयारी करूंगा इस्तकबाल की, मैं तो जो हो सकेगा मैं अच्छे अच्छे खाने बनवाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। तो फरमाने लगे यही बात है कि जब तुम रोजाना किसी को इसाले सवाब करते रहोगे ना, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को, तो जब तुम दुनिया से जाओगे तो वो सब तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जमा होंगे। बात समझ में आई? तो रोजाना इसाले सवाब करेंगे, रोज कीजिए। फिर ये होता है कि जैसे आपने शुरू किया और आपको 2-4 नाम याद आ गए कि भाई ये चले गए, इनको भी मैं इनका नाम ले लेता हूँ, बिलखसूस फलां 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 ले लिया। अब आपको खबर मिली यार फलां बंदे का इंतकाल हो गया, वो भी आपका दोस्त था या दोस्त के वालिद थे या वालदा थी, उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल कर लें। पता चला यार फलां बंदे का नाम भी शामिल हो गया, वो भी चला गया, उसको भी इस फहरिस्त में शामिल कर दें। आहिस्ता 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 आपकी ये फहरिस्त बड़ी होना शुरू हो जाएगी। उसके घर वाले शायद भूल जाए उसको, लेकिन आप रोजाना उसको इसाले सवाब कर रहे होंगे। और जब ऐसा बंदा दुनिया से जाता है ना, जो सबके लिए इसाले सवाब करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, नेक काम करता रहता है, नेक इंसान जब दुनिया से जाता है तो पाक फरिश्ते, वो मासूम फरिश्ते पूरी जमात की सूरत में आते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको पूरे तरीके से प्रोटोकॉल से लेके जाते हैं। कुरान करीम कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए पाक रूह आजा बाहर आजा, अब चलने का टाइम आ गया तेरा। तो बड़े तरीके के साथ उसको लेकर जाते हैं आला इलियीन की तरफ। अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा है, मौत भी अच्छी हो जाएगी और ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।